मध्य प्रदेश में बीते एक माह में तहसीलदार, नायब तहसीलदार पर असामाजिक तत्व और अन्य पक्षों के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा राजस्व वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और कर्मचारी जब वसूली के लिए जाते हैं तब उन पर हमला कर दिया जाता है। इस तरह के मामले सीधी, सतना, अनूपपुर जैसे जिलों में ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसमें कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे हमलों को रोका जाए और सुरक्षा की मांग करते हुए जबलपुर में पदस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने राज्य शासन के नाम कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। दोपहर में सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कलेक्टर कार्यालय में इकट्ठा हुए और उसके बाद उन्होंने राज्य शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को सुरक्षा देने संबंधित मांग की गई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का कहना है कि शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों और हमला करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे राजस्व का अमला बेखौफ होकर अपना काम कर सके। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने यह ज्ञापन राज्य शासन को भेज दिया है। ज्ञापन है सर, सारे जिलों में दे रहे हैं। दो तीन घटनाएं हुई सर, एक तो कोतमा में जो प्रभारी तहसीलदार थे उनके साथ वकीलों ने सुनो ना, जिले का है घटना और दूसरे जिले की घटना में सभी तहसीलदार यूनियन ने पूरे प्रदेश व्यापी वो ज्ञापन दे रहे हैं, तो उन्होंने उसकी विरोध में जो दूसरे जिलों में घटना हुई है उसके विरोध में आज ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन देके उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, कोविड का भी समय है और ठंड भी अब चरम सीमा पे आ गई, ऐसी स्थिति में सरकारी अस्पताल और बेड पर्याप्त हो उसके लिए जिला प्रशासन किस तरह से व्यवस्था कर रहा है? 2000 से अधिक कोविड से संबंधित बेड हमारे पास में, प्राइवेट और सरकारी बेड्स मिला दें तो ICU और SDU के और ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं 2000 कोविड के संबंधित, जबकि अभी जो होम आइसोलेशन को यदि हटा लें तो 200 के आसपास जो हैं मरीज हमारे पास कोविड के हैं, तो पर्याप्त मात्रा में बेड की अवेलेबिलिटी है, देयर इज नो इशू। सर, जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है निश्चित रूप से प्राइवेट अस्पताल में इलाज के नहीं जा सकता, उनके लिए सरकारी 744 बेड मेडिकल कॉलेज में और 165 बेड विक्टोरिया में खाली पड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी मरीज है निःशुल्क इलाज वहाँ पर हो जाएगा। पर्याप्त व्यवस्था है बेड की सर? आवश्यकता से 4 गुना 5 गुना अधिक बेड अभी आज की तारीख में अवेलेबल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।